हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि पात्रता परीक्षा के साथ नई शिक्षक भर्ती की माना जा रहा है आहट, ठीक है। तो यहां पर ये एक खबर है, और इसके अलावा हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे एक आरटीआई के द्वारा। मैं आपको दिखाऊंगा साक्ष्य के रूप में इस खबर के बाद में। अभी मैं आरटीआई को आपके सामने लाऊंगा, और फिर मैं साक्ष्य प्रमाणित रूप से आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके तहत कितने पद खाली हैं, ठीक है। तो पहले इस खबर को देख लेते हैं। इसमें लिखा है पात्रता परीक्षा के साथ नई शिक्षक भर्ती की माना जा रहा है आहट। मतलब जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा है वो आपकी 25 जुलाई को हो जाएगी, उसी को यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जोड़ा जा रहा है। और ये बिल्कुल सही खबर है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं फालतू की कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे हैं उन लोगों को ये बातें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यूपी टीटी का जो है वो आपका डेट आ गई है, ठीक है। वो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद तुरंत मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगस्त महीने में, ठीक है, अगस्त महीने में, अगस्त से सितंबर तक आपका जो फॉर्म है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि अगले अगले साल चुनाव है, और ये चुनाव से पहले भर्ती को पूरा कराने की कोशिश करेंगे, जिससे एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ेगा इनके ऊपर, लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये लोग अगस्त से सितंबर तक इसकी भर्ती लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जो लोग जूनियर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जूनियर टीजीटी पीजीटी अपनी परीक्षा दे लें, और उसके बाद तुरंत ही अपनी प्राथमिक की भर्ती में जुट जाएं, क्योंकि उसके लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अब सीधे चलते हैं जो आरटीआई है उसके पास, उसकी तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये आरटीआई आपकी लगाई गई थी, ठीक है। ये आरटीआई है आपकी 27 जुलाई 2020 की। अब तब से तो कोई शिक्षक भर्ती तो यूपी में आई नहीं है, जो पदों की संख्या घट जाएगी। तो इसके माध्यम से देखिए, यहाँ पर पूरा सब कुछ दिया गया, और यहाँ पर नीचे साइन भी है। यहाँ पे देखिए, योर फेथफुली, यहाँ पे साइन भी है, ठीक है। CPIO अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया, और यहाँ पे जितने भी स्टेट वाइज, यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा है वैकेंट पोस्ट गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, ठीक है, बाई स्टेट। ये देखिए, बाई स्टेट यहाँ पर भर्ती दी गई। आंध्र प्रदेश में 45,760, अरुणाचल प्रदेश में 186, इस तरीके से सारी दी गई है। इसी तरीके से सबसे नीचे देखते हैं यूपी की। तो यूपी की जो है एलिमेंट्री में, एजुकेशन में, इसमें 1,73,795 यहाँ पर रिक्त पद यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। 1,73,795 पद, तो काफी पद यहाँ पर खाली हैं। इसलिए मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी आएगी तो 51,000 तो मान लो आपकी कम से कम आएगी, और उम्मीद है कि जितना अधिक दबाव बनाया जाएगा उतनी ही अधिक यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना है। 97,000 भी आ सकती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है कि 74,000 जो वैकेंसी की बात हो रही है उसके चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। 74,000 या 51,000, 57,000 बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन 51,000 या 74,000 आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पे पद खाली है। तो ये कम से कम एक से दो या तीन बार यहाँ पर इसको निकालने के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने प्रमाणित साक्ष्य के रूप में देख लिया कि 1,73,000 जो वैकेंसी है वो आपकी खाली है, अभी रिक्त है। और इसके भूल में मत रहिए कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती 100% आएगी। इन्होंने कह दिया अगले साल तक देंगे, अगले साल का मतलब है अगले साल तक ज्वाइनिंग दे देंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि अगले साल है चुनाव, इनको इम्प्रेशन अपना बनाना है, सीधी सी बात है। तो ये लोग उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये देखना सितंबर तक आपका इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और 1-1.5 महीना देंगे आपको तैयारी के लिए। इसलिए आप लोग कतई भ्रमित ना हो और अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। जो भी करना है, ट्विटर पे करना है, धरना करना है, वो सभी चीजें करते रहिए, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।